गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ और बता कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द हेडलाइन, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। मुंबई सॉ इट्स कोल्डेस्ट जैन डे इन अ डेकेड ऑन संडे। मतलब एक डेकेड के अंदर कल जो था मुंबई में सबसे ठंडा दिन था, मतलब बॉम्बे में ठंडा दिन था वो भी सबसे, मतलब अभी इस टाइम पे जो टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस। नाउ आई नो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद द नॉर्थ का टेम्परेचर, बट बॉम्बे में 18 डिग्री मतलब प्रॉपर ठंडी। मैं खिड़की खोल के बैठा हूँ और मुझे ठंडी फील हो रही है। अब जस्ट वोकन अप अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए मैं खिड़की खोल के बैठा हूँ, बिकॉज मुझे फ्रेश हवा चाहिए होती है। आई जस्ट होप एंड प्रे दैट ऑल ऑफ यू गाइस, इफ यू आर इन नॉर्थ या आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को प्रॉपरली कवर कीजिएगा। डू नॉट फॉल सिक, अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठंड है लेकिन धूप निकली, कल तो धूप निकली ही नहीं थी भाई साहब। मैं जल्दी उठ गया हूँ बिकॉज मुझे एडिटिंग निपटानी थी, प्लस मैं आपको 6 नए लोगों से मिलवाता हूँ। 2 वो रहे वो पीछे जो पौधे लगे हुए हैं, और 4 सकलेंस हैं वो यहाँ पर, दिखा देता हूँ आपको। ये रहे वो 4 सकलेंस, दिस दिस ऑल रियल है बाय द वे, प्लास्टिक के नहीं है, असली है। चलिए फिलहाल के लिए मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। स्टूडियो का जो बाकी टूर है, बाकी जो काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़े से 1-2 दिन और, उसमें मिल जाएगा। ऊँची की टी मिठा उठ गई। अटवा कहाँ है? अट्टा भी उठ गया। अट्टू को तो प्यार करने दे मिष्टी, अट्टू को तो प्यार करने दे मिष्टी। गुड मॉर्निंग मम्मा। कैसे तेरी आजकल थोड़ी नींद थोड़ी डिस्टर्ब सी हो रखी है ना, अब्रप्ट हो रखी है ना को तेरी नींद, लेकिन अभी तो सोई ठीक से। और आज तो हाँ, और आज तो सुबह हमें इस लड़की ने उठा दिया, क्योंकि सुबह 6 बजे बिग बास्केट वाला राशन रखने आता है और इसको आ गई आवाज कि कोई तो है बाहर, और ये जो भौंके पड़ी है। हाँ ये देख लो, इसको देख लो, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है इसमें, केकड़ी में। केकड़ी देखो, बस ये चाहिए इसको, मम्मी भी लगे रहे पापा भी लगे रहे, यही चाहिए ना मिष्टी तुम्हें, और तुम्हारा कोई काम नहीं है मिष्टू। एक वो है मेरा सीधा सीधा बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, कुछ नहीं मांगता, नेवर डिमांडिंग एनी थिंग्स। गपलू नींद में, जीभ देख लो, रेड कारपेट जितनी लंबी जीभ है, शादियों में फंक्शन में इसकी जीभ ही लगा दी जाए, इस पूरी बारात इसके ऊपर चलते हुए आई, इतनी लंबी जीभ है इसकी। क्या हो रहा है मिष्टी तेरे को, कैमरा ऑन होते क्या हो जाता है तेरे को, ओ पगलेट। शेक हैंड करो, आप हैंड से ये लंच टाइम खत्म हो चुका है, ज्योति और प्रखर ने लंच कर लिए, मैं नहीं कर रहा, मैंने अभी तक लंच किया नहीं है बिकॉज आज मंडे है और मंडे को मेरा फास्ट है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा काम भी, तो उसी के लिए निकल रहे हैं हम लोग घर से। बस बच्चे खाना खा ले, मिष्टी खा चुकी, आइटम खा ले, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम लोग। सुबह गजब की ठंड थी और अब धूप निकली है, क्या मस्त धूप निकली हुई है, देख रहे हो। ये क्या पी तू, सिगार पी रहे आइटम का? गुस्सा करता है, गंदू वो गुड़ी, मेरी गुड़िया ने खा ली जल्दी से, गुड़िया खत्म कर दिया तूने। चलो बाय, चलो से हाय प्रखर। हाय, मैं और मेरा भाई निकल गए। भाई क्या अच्छा आ रहा है फ्रेम, लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है यार, ये थोड़ी सॉफ्ट लाइट है ना इसलिए अच्छी लग रही है। नहीं और गाइस, आज मंडे है ना, तो मंडे को हम आज एक्सरसाइज कुछ नहीं करने जा सकते, आज शाम को रनिंग करते हैं भाई, क्या बोलता है? शाम को रनिंग या वॉक थोड़ा सा करेंगे, अच्छा रहेगा। इतनी तेज हवा चल रही है कि बैडमिंटन भी नहीं खेल पाएंगे हम लोग। अब थोड़ा सा वॉक किया तो गर्मी लगने लग गई। नहीं भाई, तेरे को लग रही गर्मी? मुझे तो लग रही लग गई गर्मी, मे बी बिकॉज माई जैकेट वो है ना थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये मौसम अच्छा है, समझ रहे हो आप, ये मौसम अच्छा है, चुभने वाली गर्मी नहीं है, प्लेजेंट है। जब जब छाया आ रही है तो ठंडी सी लग रही है, ये बढ़िया, ये गुड है, ये एक्सेप्टेबल है सर। ऊपर जा, ठीक है, DTDC पहले अपना कूरियर का काम पूछ ले, फिर बगल में जो के अंदर एक टेलर बैठते हैं उसको बोलना कि भैया ये मुझे पर्दा ऑल्टर कराना है, 7.5 फुट का है, मुझे इसको 7 फुट का करना है, लेकिन कट नहीं करना, फोल्ड करके स्टिच मारनी है, समझा? तब तक मैं बीएड का काम कर लेता हूँ, फिर राशन वाशन खरीद लेते हैं जो भी चाहिए। छोटी नहीं करनी है, सिर्फ ट्रिम करनी है और शेप में लाना है, जो भी बाल बाहर आ रहे हैं उनको हल्का हल्का बस ट्रिम कर देना है, जैसे लास्ट टाइम सेट किए थे वैसे, ठीक है ना।
ये पूरा इस बार क्लीन शेव करना। लेकिन मैंने इसको लड़के को बोला कि मुझे अपने बाल अब कलर करने, बिकॉज काफी ग्रे हेयर हो गए हैं मुझे, पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं दिख रहे हैं। भाई कोई अतरंगी सा मत दे दियो प्लीज, ये ब्लॉन्ड है भाई, इतना तो मेरे को भी दिखता है, मैं आई एम अ लिटिल कलर ब्लाइंड बट नॉट दैट मच। लिसन भैया उसकी बात में बताओ आप, भाई मुझे नेचुरल कलर करने दे सिर्फ, बर्गंडी होता है ना नेचुरल, नेचुरल होना चाहिए, प्लस ऐसा ना लगे कि डाई करा के आया लड़का। नॉर्मली जो जैसे नंबर चार कर दो फिर, चलो चार नंबर कौन सा है? हाँ ये थोड़ा सा नेचुरल कलर लग रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा हमने डाई जैसा लुक दिया है, वो नहीं लगेगा। ये दिख रहा है आपको, ये हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा ब्लैक कलर है, ये बहुत ज्यादा है, हाँ। तो मुझे ये करना चाहिए आप कह रहे हो? हाँ मतलब ये कि आपके मतलब ये आपके हेयर का कलर है नेचुरल, ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हैं। घर घर जाके करेंगे थोड़ा सा रेस्ट, दोनों बहन भाई सुबह खाया इडली सांबर और अब बना रहे हैं सेवैया। माड़ी जी शर्मा रही किसी ने? क्या मैं बोलूं, चलते हो तुम रात रात के 1 बजे तक, तब तुमको शर्म आती है? जवाब चाहिए मुझे। हम लोग अभी पैनकेक बनाने वाले थे, भाभी ने बोला कम नहीं खा पाएगा, मत बनाओ। जैसी मेरी फास्टिंग चालू होती है रात को 9 बजे, वहाँ तुम बोला तो क्या क्या खाते हैं, खट्टी मीठी नमकीन ऐसे खाते हो ना, मैं क्या बताऊँ, तो ढाफता हूँ मैं, ढाफता मैं अभी भी चेवड़ा लिया अपने लिए फास्ट वाला। फिर बेटा तू तो ना बोल, तू तो ना बोल, ये तो बहुत बेटर है, रहने बस। पहले ये तो भी शर्म आने लगी, पहले मतलब थाल फास्ट वाली थाली थी वो, फास्ट वाली थाली ना, फास्ट वाली थाली भर जाता था। और मुझे कहता था बच्चों कभी कभी फास्ट रखना अच्छा होता है अंदर सिस्टम के लिए, ये नहीं पता कि उसी दिन फास्ट वाली थाली में इतना तेल खा लेना है, पकौड़े और वो सब। पापी हो तुम दोनों, में जा रहा हूँ, कोई जवाब नहीं है, तुम भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सच्चाई से मुंह मोड़ के। नरभक्षी हो तुम लोग, नरभक्षी, धुआं नहीं हो रहा, कोई एग्जॉस्ट चला दूं तेरे लिए, तुमको कुछ नहीं बोलना मुझे, छोंक की ब्रेथ आ जाएगी। चल मैं जा रहा हूँ फिर एडिटिंग करने, तुम लोग खा लो, बैठ जा भाई, खाते हुए देख ले, मैं तो देख सकता हूँ खाते हुए, तुम लोग नहीं देख पाते मेरे को खाते हुए। बहुत बुरी हो तुम दोनों, एक्चुअली बहुत बुरी हो तुम दोनों। चाय बनकर आ गई है, थैंक यू जोजू फॉर द चाय। कुल्लड़ में लेके आया हूँ, ये कुल्लड़ हम टपा के लाए थे वहाँ से, त्रिम्बकेश्वर मंदिर से। हम लोगों ने चाय पी थी, उन लोगों ने हमें कुल्लड़ में दी, मुझे बड़ा अच्छी लगी और स्वाद भी लगी, तो मैंने कहा भैया मुझे कुल्लड़े धो के दे दो, मैं ले जाऊँ अपने साथ, तो उन्होंने कहा ले लो, तो भी वेरी कोऑपरेटिव गाय ही वाज। मैंने प्रखर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ हस्बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मैंने उसको कुल्लड़ में नहीं दी चाय, बट इज ओके विद इट राइट। तुम तंग हो ना बहुत हमसे, तुम हमें छोड़ के चले क्यों नहीं जाते, तो बड़ा ये डायलॉग मार रही है आज। गाइस प्लीज इग्नोर दैट, दैट थिंग प्लीज इग्नोर दैट थिंग, बिकॉज़ अच्छी वाली रखी थी, देखो निशान भी है, बिकॉज़ कर्टन सिलने गए हुए, मतलब सिलने नहीं ऑल्टरेशन होने गए हुए, यहां रख दिया ज्योति यार, तुम बोल रहे हो इग्नोर दैट, तो दिखा क्यों रहे हो, ऑल्टरेशन होने गए हुए, अभी आ जाएंगे 7:30 बजे, प्रखर लेने जाएगा, प्रखर 7:30 बजे बिजी है, 7:30 बजे बिजी है, ऐसा 7:30 बजे क्या है, मैं उसको कहीं लेके जा रही हूं, तुम दोनों जा रहे हो सिर्फ, मैं तुम्हारा तो व्रत है, और तुम व्रत है भाई, व्रत वालों को लिए नहीं होता, मैं चाय पी लेता हूँ, तुम्हारा तो व्रत है,
शॉर्ट लेने के लिए लिखा था हटा ले, शॉर्ट यहाँ पे भी ले सकते हो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो तो रात को जा सकते ना, रात को तो मैं भी जा सकता हूँ, रात तोड़ के फिर रात को 9 बजे के बाद। अध्याय के मामले में तुम दोनों थोड़े से, तुम तो बहुत ही कमजोर हो, प्रखर को तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ पता है, रहने दो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था अभी हम कहाँ गए थे, त्रिम्बकेश्वर मंदिर, वहाँ पे शुरू न था क्या? अब बता दे, चलो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था? नहीं, तूने बताया मुझे, आई नो, थैंक यू फॉर द फैक्ट। चलो चाय पी लेते हैं। वो फैक्ट जरूरी है, वो फैक्ट हो, वो मिथ भी हो सकता। नहीं, मैंने भी कहीं पढ़ा था, उसमें लिखा था यही था, और किसी ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि वहाँ पे सुरुणपखा की, शूर्पनखा की नाक काटी गई थी, शूर्पनखा, एक्चुअली वो स्वरूप नखा है, सुंदर वो बहुत ही स्वरूप था, और नखा उसको, क्योंकि नखरा था नाक पे रखता था अपने सुंदरता को, स्वरूप नखा, यस, उसको घमंड था अपनी नाक पे ना। किसी लग रही है अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप प्लीज इतना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, दिस इज कमल चित्रणा साइनिंग ऑफ, बाय।